हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीपी कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीपी मेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट के बारे में। स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट का उपयोग अधिकतर लंबी दूरी तथा अधिक कैपेसिटी वाले कन्वेयर सिस्टम में किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले देखते हैं स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट के फीचर क्या क्या है। स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट लंबी दूरी तथा हाई कैपेसिटी वाले कन्वेयर सिस्टम में उपयोग के लिए सर्वोत्तम है, जहां पर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। इसका इलांगेशन नेग्लिजिबल होता है, जिससे टेकअप स्ट्रोक बहुत छोटा होता है, और छोटे डायमीटर के पुली का इस्तेमाल इस कन्वेयर सिस्टम में हम कर सकते हैं। स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आइए इसके देखते हैं। स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट में पहले होता है टॉप कवर रबर, उसके बाद स्टील कॉर्ड होता है, उसके बाद अधेशन रबर, फिर उसके बाद बॉटम कवर रबर। स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट का स्पेसिफिकेशन। स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट के स्पेसिफिकेशन में 8 एलिमेंट होते हैं, जो कि अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। इसमें जो पहला फिगर है DINX, यह हमारे कवर रबर ग्रेड के बारे में जानकारी देता है। दूसरा फिगर ST2000, यह कन्वेयर बेल्ट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी देता है। इसका यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर है। तीसरा फिगर 1200 जो लिखा है, वो कन्वेयर बेल्ट के विड्थ के बारे में जानकारी देता है। इसका यूनिट मिलीमीटर है। चौथा फिगर 5.7 जो दिखा रहा है, वो हमारे कॉर्ड का डायमीटर के बारे में जानकारी देता है। इसका यूनिट भी मिलीमीटर है। पांचवा फिगर 94EA जो दिखा रहे हो, नंबर ऑफ कॉर्ड्स के बारे में जानकारी देता है। हमारा जो छठवा फिगर है 6.0, यह टॉप कवर रबर के थिकनेस के बारे में जानकारी देता है। इसका यूनिट भी मिलीमीटर है। सातवां फिगर 5.0 जो दिखा रहा है, यह बॉटम कवर रबर के थिकनेस के बारे में जानकारी देता है। इसका यूनिट भी मिलीमीटर है। आठवां फिगर 300 मीटर यह दिखा रहा है, ये हमारे कन्वेयर बेल्ट के लेंथ के बारे में जानकारी देता है। स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट में जो कॉर्ड होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे एक कॉर्ड है, इसका स्पेसिफिकेशन 7x7 है। इसका मतलब है इसमें 7 स्ट्रैंड है। यहाँ पे 7 स्ट्रैंड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्ट्रैंड है और 1 स्ट्रैंड में 7 रोप है। इसका उपयोग हम लो टेंशन लाइन वाले जो कन्वेयर बेल्ट होता है, वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार एक दूसरा जो स्ट्रैंड है, उसका स्पेसिफिकेशन है 7x19। इसमें 7 नंबर ऑफ स्ट्रैंड है और 1 स्ट्रैंड में जो नंबर ऑफ रोप है वो है 19। इसका उपयोग हम हाई टेंशन वाले जो कन्वेयर सिस्टम है, वहाँ पर करते हैं। अलग अलग एसटी ग्रेड के जो कन्वेयर बेल्ट है, उसके कॉर्ड डायमीटर, कॉर्ड पिच और कॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में इस टेबल में जानकारी दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ST2000 जो ग्रेड है, उसका हम मान लो देखते हैं, तो उसका कॉर्ड डायमीटर है 5.2, तो कॉर्ड पिच है 12 mm और कार्ड का स्ट्रक्चर 7x7। इसमें 7 स्ट्रैंड है और 1 स्ट्रैंड में 7 रोप है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आपको इसका बाद में कहीं आप उपयोग कर सके। आशा करता हूँ आपको स्टील कॉर्ड कन्वेयर बेल्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपके 1% भी काम का लगे, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सकें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। यदि आपको कोई नए विषय में जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए बना सकूँ।